अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेवात कैसे है कैसे बाजो नाव, मेवात कैसे है कैसे बाजो नाव, कौन मुलक को कौन बसायो गांव। मेवात इलाका मेव कौम की आबादी की वजह से मेवात कहलाता है। नू तो सारी जात ही बसा एक ही साथ, नू तो सारी जात ही बसा एक ही साथ, अपर मेव घनी तादाद में नू बाजे मेवात। मेवात शब्द के बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय रही है। इतिहासकार कर्नल टार ने मेवात को मीरात लिखा। मीरात इसलिए क्योंकि यहाँ मीर जाति रहा करती थी। मेवात चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और कर्नल टार के अनुसार पहाड़ के आसपास रहने वाली जाति को पहाड़ी जाति होने की वजह से मीर जाति नाम रखा गया। इसी मीर जाति के नाम पर मेवात को मेरात या मेवात नाम रखा गया। इसी तरह मेवाड़ और मेवाड़ को भी मेवात की तरह पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से उसका नाम मेरवाड़ या मेवाड़ रखा गया। मुरक्काए मेवात के लेखक श्री सर्फ अलाउद्दीन के अनुसार मेवात पहाड़ी क्षेत्र है और संस्कृत भाषा में मेर पहाड़ को कहते हैं, इसलिए इसका नाम मीरात या मेरात रखा गया, जो धीरे धीरे बोलचाल की वजह से मेवात शब्द से मशहूर हो गया। इसी तरह मेवात का तज़किरा पृथ्वीराज के जमाने में मशहूर शायर कुबेचंद ने भी किया था और मशहूर शायर कुबेचंद ने मेवात को मेवात या मीरात ही लिखा था। दुनिया में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं या इलाके हैं जिनका नाम उनमें ज्यादा रहने वाली आबादी या कौम की वजह से पड़ा। इंपीरियल गजेटर ऑफ इंडिया 1908 के मुताबिक मेवात इलाका अपने नाम को मेवों से बना हुआ मानता है और मेवात इलाका मेवों से बना हुआ है इसके और भी बहुत सारी मिसाल मौजूद है। मसलन मेवाड़, मेवाड़ में कई जिले मेवाओं के नाम पर है जिनमें मेव आबाद है। मेरता नामक कस्बा भी मेवों ने ही बसाया था। अजमेर जिले में दो बस्तियां मेवकला और मेवाखुर्द मौजूद हैं। इसी तरह गुड़गांव में दो गांव मेदावास और मेवका हैं। और मेवात में भी दो गांव मेवलीखुर्द जिसे हम छोटी मेवली कहते हैं और मेवलीकला जिसे हम बड़ी मेवली कहते हैं मौजूद है। ये सब बातें इस बात का सबूत है कि मेवों ने ही इस क्षेत्र का नाम मेवात दिया है। ये मेवों की भूमि है, ये मेवों का प्रदेश है। मेव कौम की आबादी की वजह से इस क्षेत्र का नाम या इस इलाके का नाम मेवात रखा गया, ना कि इस क्षेत्र में रहने की वजह से इस कौम का नाम मेव रखा गया। यही लोग जब मेवात से बाहर कहीं जाते हैं, किसी और शहर में जाते हैं, तो मेवाती कहलाते हैं। मेवात के निवासी मेवाती कहलाते हैं। मेवात का हर बाशिंदा, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, मेवात से बाहर मेवाती के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ की बोली भी मेवाती के नाम से ही मशहूर है, यहाँ मेवाती ही बोली जाती है। हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में जहाँ मेव कौम आबाद है उनके मोहल्लों को मेवाती मोहल्ला कहते हैं या मेवातीन के नाम से पुकारा जाता है। मेरी खुशकिस्मती है मैं उस सरजमी से ताल्लुक रखती हूँ जिसमें हमारे बुजुर्गों ने देश की आन बान शान की खातिर मुगलों से लेकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और अपनी जान गंवाई और हजारों की तादाद में शहीद हो गए। मुझे अपने नाम के पीछे मेवाती लगाने में फख्र महसूस होता है। मुझे फख्र है मैं मेव कौम से ताल्लुक रखती हूँ और मुझे मेवाती होने पर गर्व है। जय भारत, जय मेवात।